Welcome back to the channel and the vlog. Alhamdulillah, we are doing great, and I hope you guys are also doing great too. Today is our anniversary night, जो हम लोग vlog में obviously पहले हो चुका है और अब मैं ये vlog upload कर रही हूँ. So हम लोग अपने anniversary dinner के लिए Riga आए थे. Basically ये एक पूरा Filipino area है, जैसे कि बड़ दुबई है वहाँ पे सब इंडियंस ज़्यादातर मेजॉरिटी में रहते हैं दुबई में, ऐसे यहाँ पे ज़्यादातर फिलिपिनीज रहते हैं. सो वी डिसाइडेड टू हैव डिनर एट दिस प्लेस. हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया बिकॉज इट्स अ फर्स्ट टाइम, और हमने अपने ऑर्डर को मिनिमलिस्टिक रहने दिया बिकॉज मैं थोड़ी चूजी हूँ फूड के मामले में. आई कैन नॉट ईट फूड विद द हीक, जैसे कि जो कबाब्स में होती है नॉर्मली, और हमने यहाँ पे भी सेम वही एक्सपीरियंस किया. आई विल टेल यू गाइस लेटर ऑन. सो एम्बियंस वाइज इट वाज जस्ट अमेजिंग. यहाँ का स्टाफ, एनवायरनमेंट, हाइजीनिक लेवल, एवरीथिंग वाज जस्ट अप टू डेट. आई मस्ट से 10 out of 10, बट फूड आई विल रेट 6.5 out of 10. सब चीज़ें अच्छी थी, क्वान्टिटी वॉज वेरी लो, इतनी अच्छी क्वांटिटी नहीं थी, एंड प्राइस वाज प्रिटी हायर देन अदर प्लेसेस. और यहाँ पे अभी खालिद ऑर्डर कर रहे हैं. हम लोगों ने मैंने ऊपर बैठना पसंद किया बिकॉज ऊपर से सब दिखता है, लेकिन वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो गया था बिकॉज यहाँ पे हमारे आगे पीछे सब फैमिलीज आ गई थी 2 से 3, तो ये सब एरिया ऑक्यूपाइड हो गया था थोड़ी टाइम में ही. सो वेल, नो रिग्रेट्स हम लोग, क्योंकि आगे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले. सो स्टे ट्यून इन द व्लॉग. एंड अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे. हम लोगों ने बेसिकली कबाब्स ऑर्डर किए थे एंड शवरमा ऑर्डर किया था टू जस्ट चेक के फूड कैसा है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमने बस वही ऑर्डर किया बिकॉज मैं वो नहीं खा पाई थी. उससे मेरा दिल भी बहुत अजीब सा हो गया था बिकॉज उसमें से एक ही खा रही थी वो जो कबाब में होती है. आई लव लेबनीज अरबिक फूड. वो पीछे अरहान को देखे, अरहान क्या कर रहा है. अरहान वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे. और ये है वो फूड जो हमने ऑर्डर किया. फ्राइज वर टोटली अमेजिंग, बहुत क्रिस्पी, अच्छे यमी फ्राइज थे. गार्लिक वॉज यम. साथ में इन्होंने ये ब्रेड एक सर्व की थी, और ये कबाब थे और शवारमा था. सो वो डिनर करने के बाद वी आर एट द शेख जायद रोड, ताकि थोड़ा अच्छा फील कर सकें. बेसिकली हमने सोचा था हम यहाँ पे कुछ खा भी लेंगे और अच्छी सी एक लॉन्ग वॉक कर लेंगे, लेकिन हमने यहाँ आके वो प्लान चेंज किया. और यहाँ पे मैं और अरहान खड़े हुए हैं, और वी आर हैविंग सम वेरी पीसफुल मोमेंट्स. बहुत ही अमेजिंग रोड है, जो यहाँ लोग आए होंगे दे नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एरिया. मेन, दिस इज़ द हार्ट ऑफ दुबई, द शेख जायद रोड, एंड इट्स अमेजिंग. मेस्मराइजिंग व्यूज़ हैं, हाइस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे. ये जो बिल्डिंग है मेरे बिल्कुल पीछे, दिस इज़ द फ्यूचर म्यूज़ियम. इसको पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बोला जाता है इस बिल्डिंग को, बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर एंड द यू नो एवरीथिंग इसको. और ये जो बिल पीछे बिल्कुल एक गोल्डन कलर की आपको दिख रही है बिल्डिंग, दैट इज़ जिवोरा होटल. दिस इज़ ऑल्सो द टॉलेस्ट होटल ऑफ द वर्ल्ड. एंड नाउ हम लोग यहाँ आ गए हैं टिम हॉर्टन्स में, बिकॉज हम लोग पहले सोच रहे थे कि कुछ खा लेंगे, बट उसके वो खाने के बाद हम लोग का कुछ मूड नहीं था ऐसे अच्छे खाने का, तो वी हैड जस्ट कॉफ़ी एंड अ डोनट. हम लोगों ने फ्रोज़न क्या फ्रेंच वनीला, या फ्रोज़न फ्रेंच वनीला लिया था हम लोगों ने, और साथ में ये डोनट. सी हम लोग लार्ज लेते हैं, तो मैं और खाले शेयर कर लेते हैं. इट्स प्रीटी गुड इन क्वान्टिटी. और हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर आके बैठ गए थे. And now this is the Jivora Hotel I was talking about, world's largest hotel. So अब हम लोग यहाँ से बड़े एक अच्छे उसमें जा रहे हैं. First time मेरा experience in last 2 years, that is the metro. और ये है metro station. हम लिफ्ट से ऊपर आए हैं. हम लोगों ने ये escalator नहीं लिया अरहान क्योंकि हमारे साथ था, तो हमने prefer किया कि हम लोग लिफ्ट से आ जाएँ. तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने मेट्रो की तरफ. ये मेरा फर्स्ट टाइम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. हम लोग यहाँ, मैं बेसिकली यहाँ पे 2 साल पहले आई थी. खालिद माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी सालों से हैं, तो हम लोगों ने यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम था. खालिद ने बोला चलो हम लोग आज मेट्रो पे देखते हैं कैसा है. मैंने कहा श्योर वी शुड गो फॉर इट. सो बस यहाँ पे बहुत ही मुझे एयरपोर्ट नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ रही थी कि ये बहुत पूरा एरिया एयरपोर्ट जैसा लग रहा था मुझे बहुत अमेजिंग लगा ये.
और सबसे अच्छी बात मुझे मेट्रो की ये लगी, यहाँ पे फीमेल्स के लिए एक अलग कंपार्टमेंट होता है मेट्रो के अंदर, 2 या 3 कंपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फीमेल एंड चिल्ड्रन के लिए होते हैं, जेंट्स से अलग, बिकॉज वहाँ पे इतना रश होता है कि एक बंदे से एक बंदा चिपका हुआ होता है लिटरली. सो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है. यहाँ पे बस अभी खालिद और अरहान खड़े हुए हैं, मेरा एक पास था जिसमें पहले से था बैलेंस और दूसरे में खालिद डलवा के आ चुके हैं, और अभी यहाँ पे सामने मेट्रो आ चुकी है. हम लोग नॉर्मल वाले मेट्रो में नहीं गए थे बिकॉज़ वहाँ पे बहुत रश था. सो ये दिस इज़ द गोल्ड केबिन जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों आ सकते हैं गोल्ड वाले में, और अभी जो व्यू आने वाला है वो बहुत अमेजिंग है एंड यू विल सी दैट. ये दिस इज़ द गोल्ड एरिया. मैंने पूरी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे, बिकॉज सब लोग ऐसे बेचारे थक के बैठे हुए थे काम वगैरह से आके. और ये है डाउनटाउन दुबई का पूरा व्यू थ्रू द मेट्रो, और मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा था ये. हम लोगों ने काफ़ी, बिकॉज हम लोग शेख जायद रोड पे थे, हम लोग ने बर्षा तक ट्रैवल किया था यहाँ से, और फिर बर्षा से लेके हम वहाँ वापस अपनी जगह तक गए थे क्योंकि हमारी जो कार थी वो हमने वहाँ पे पार्क की हुई थी. तो बस अब ये हम लोग अब वहाँ से निकल आए हैं और ये वापस हम मेट्रो स्टेशन पे आए हैं. ये सामने होटल थे तो मुझे वो बहुत प्यारे लग रहे थे. और ये देखें अब हम लोगों ने एस्केलेटर लिया बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस एरिया. ये जो ऊपर पूरा बड़ी अमेजिंग सी है, इन्होंने ज़बरदस्त सी ये पूरी रूफ बनाई हुई है. तो मैं बहुत खुश हो रही थी बेसिकली कि यार खालिद ये बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छी जगह है ये. और मेट्रो इज़ अ ग्रेट फैसिलिटी इन दुबई, आई मस्ट से बहुत ही अच्छी चीज़ है. हम लोग के पास बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है तो मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया था, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, सो इट वाज प्रीटी गुड. आई रेट दिस आउट 10 out of 10. बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी प्राइवेट कन्वेंस नहीं है. एंड हम लोग बस अब यहाँ से अपने लिए घर के लिए वापस जाएंगे, और बेसिकली गाड़ी के लिए वापस जाएंगे, और हम लोग वॉक करके ही जाएंगे. थोड़ी सी हमारी कार दूर पार्क थी यहाँ से. सो इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. और ये सामने है वॉक बॉयज, मुझे इनका ये जो आर्ट वर्क है पूरी वॉल पे बहुत अमेजिंग लग रहा था. बिल्कुल फ्यूचर म्यूज़ियम के सामने ही है इनका ये. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल. उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए मैकडोनल्ड्स में बैठ गए थे. तो मैकडोनल्ड्स के बाद हम लोगों ने बस अपने घर के लिए वापसी की क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, और ये थर्सडे नाइट है बेसिकली, और खालिद का फ्राइडे को ऑफिस भी था. तो हम लोगों ने सोचा चलें बस अब एंड करें नाइट को, एंड वी आर गोइंग बैक टू आवर होम. एंड दैट्स इट फ्रॉम टुनाइट, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, इट विल मीन्स अ लॉट टू मी. एंड डोंट फॉरगेट to hit the bell icon so whenever I'll upload a video you guys will get a notification. Till then, take care, Allah Hafiz, and see you guys soon in the next vlog. Bye bye.